बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बना रही हूँ गाजर का हलवा, जिससे मैंने बहुत से लोगों ने रिक्वेस्ट करी थी। गाजर के हलवे के लिए हमें चीज़ों की जो चीज़ें चाहिए वो ये हैं। गाजर हमने कद्दूकश कर ली थी, 2 किलो हमने ली थी, उसे हमने इस तरह से कद्दूकश कर ली और हाथ की मदद से हमने इसे निचोड़ लिया था हल्का हल्का, इसका जो पानी एक्स्ट्रा है वो निकल जाए। खोया हमने लिया है तकरीबन 1 पाव, ये हमने 1 पाव से थोड़ा कम लिया है। चीनी 1 पाव लिए, आप अपने टेस्ट के मुताबिक भी ले सकती हैं। इलायची 6 से 8 अदर, जिसको हमने इस तरह से मोटा मोटा कूट लिया है। गार्निशिंग के लिए अखरोट की गिरी लिए हमने, और बादाम लिए जिनको हमने चॉप कर लिए मोटा मोटा, और दूध तकरीबन 1 पाव लेंगे। आइए अब हम चलते हैं बनाने कि किस तरह से ये बनेगा। फ्लेम हमने ऑन कर ली है और एक कढ़ाई हमने रख ली इसके ऊपर। अब हम ये जो गाजर कद्दूकस करी है हम ये इसके अंदर डालेंगे और इसको पानी को शक करना है। खाने में बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार बनता है और तकरीबन सबको ही बहुत अच्छा लगता है। और सब्जियों में गाजर आती है तो सब्जियों में ही बनता ही है। गाजर आपने बिल्कुल ज़्यादा जैसे लाल वाली नहीं लेनी है, आपने बिल्कुल ऑरेंज ऑरेंज से हल्की लाल लेनी है गाजर। उससे ये है कि आपका हलवा भी बहुत ज़बरदस्त और खूबसूरत बनेगा। लाल गाजर से ये है कि जो है हलवा काला काला सा बनता है। गाजर हमने इसके अंदर डाल दी और ये जो दूध था ये दूध हम इसके अंदर डालें। दूध के साथ हमें इसे पकानी है और इसको बिल्कुल कुशक कर लेना। दूध के साथ हमें इसे बिल्कुल खुश कर लेना है जब तक कि ये बिल्कुल खुश्क ना हो जाए। उस टाइम तक हमें इसे पकाते रहना है, ज़्यादा तेज़ आंच हमें नहीं रखनी है, बस नॉर्मल आंच पे हमें इसे पकाना है। तकरीबन इसमें 15 से 20 मिनट भी लग सकते हैं। गाजर का पानी खुश्क हो चुका है, अब हम इसे इसके अंदर हम डालेंगे घी। साइड में इसे साइडों में करेंगे, आप चाहें तो इसे अलग से निकाल भी सकती हैं, पर मैं इसे साइडों में करके बीच में ही इसके घी डाल रही हूँ। आज हम थोड़ी तेज करेंगे ताकि हमारा घी अच्छी तरह से गर्म हो जाए। घी हमारा गर्म हो चुका है, अब हम इसके अंदर ये इलायची डालेंगे और इसे अच्छी तरह से हम मिक्स करेंगे। मिक्स हो गई इसके अंदर, अब हम इसमें साथ के साथ चीनी भी ऐड कर देंगे। अब एक बात है हमें इतना पकाने की हमारी चीनी इसके अंदर जब्ज हो जाए और बिल्कुल पानी इसका बिल्कुल भी ना रहे। आप देख सकती हैं कि इसका बिल्कुल भी कलर चेंज नहीं हुआ है, जो इसका गाजर का कलर था वही गाजर का कलर रहा है इसका बिल्कुल। इसे आप पानी इसका खुश करें तो थोड़ी थोड़ी देर में इसको हिलाते रहें, ना ज़्यादा ये नरम पड़ेगी और ना इसका कलर चेंज होगा। पानी खुश्क हो चुका है चीनी का भी, आप देख सकते हैं कि बिल्कुल भी इसमें पानी नहीं है, ड्राई हो गया ये। अब हम इसके अंदर थोड़ा सा शाइनिंग के लिए ऑयल और डालेंगे।
राजस्थान खूबसूरत से शायना है। एक दफा हम इसे फिर अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और तकरीबन हमारा हलवा रेडी है। आप इसका कलर देख सकती हैं कि कितना जबरदस्त है इसका कलर आया है। हलवा हमारा रेडी हो चुका है। अब हम इसके अंदर ये चॉप हुए बादाम, थोड़ा सा ब्राउन फ्लेवर ऊपर गार्निशिंग के लिए, फ्लेम ऑफ कर देंगे और ऑफ करने के बाद हम खोया इसके अंदर ऐड करेंगे। ये जो मोटी मोटी गुटनियाँ आप इसे हाथ से तोड़ के थोड़ी बारीक करके डालिएगा ताकि पूरे में मिक्स हो जाए। ये मैंने आधा इसमें डाला है, आधा मैं इसमें डाल के मिक्स कर रही हूँ, आधा हमें ऊपर से इसको डालना है ताकि जब हम खाएं तो ऊपर इसके आए मोटा मोटा और खूबसूरती भी आ जाती है और अच्छा भी लगता है। अच्छी तरह मिक्स करके हम इसे डिश आउट कर लेंगे। हलवा हमारा रेडी हो चुका है और आप देख सकते हैं कि कितना खूबसूरत से लग रहा है। खोया आधा हमने इसके अंदर डाला था, आधा इसके ऊपर डाला है। और अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर आप बताया करें।